अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? तो अच्छा यार, आज की वीडियो में आपको फ्रैंकलिन का हाउस जो है वो आपको अपग्रेड करवाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने पहले अपना ट्रीवर का ट्रेलर आपको अपग्रेड करवाया मैंने, और अपना जो है माइकल का हाउस आपने अपग्रेड किया। ठीक है, विद सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सुपर कार्स, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर्स और भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें जो हमने अपना दोनों हाउस में हमने अपग्रेड की है ना, वैसे ही हम आज फ्रैंकलिन का हाउस जो अपना अपग्रेड करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको सुपर कार्स, हेलीकॉप्टर्स, हेलीपैड, सिक्योरिटी गार्ड्स और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस हाउस को अपनी गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी इशू है GTA 5 की मोड्स की मोड्स में, ठीक है, कोई भी आपको इशू एरर आता तो आपने सिंपली कमेंट करना और आपका इंशाल्लाह वो वाला एरर मैं लाजमी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ सबसे पहले आपने जाना जी अपना गूगल क्रोम में। ठीक है, गूगल क्रोम में कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपने वहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है तो आप आ जाएंगे इस गूगल ड्राइव के पेज में। ठीक है, तो ये फाइल है एक छोटी सी 850 KB की। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव में दे दूँगा, आपने सिंपली यहाँ पर आकर इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये अपना फौरी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली करना है जिसे ओपन। ठीक है, अपना विनरार से आपने ओपन करना है। अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है जी विनरार। ठीक है, सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट पे आके आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ से देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो उसके बाद आपने करना है जी इसे मिनिमाइज और आपने कर लेना है अपने फ्रैंकलिन हाउस वाली फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, तो ये मोड इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूंगी जो आपको इस वक्त स्क्रीन में थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, ऑल एरर्स क्लियर वा रहा है, ये वीडियो आपने लाजमी पहले वॉच कर लेनी है। ठीक है, ये वीडियो वॉच करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका GTA 5 का ना एक बेस सेटअप रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक न्यू वीडियो भी बना रहा हूँ बेस सेटअप की। ठीक है, वो आपको ऑलमोस्ट एक या दो स्टेप में आप अपनी GTA 5 को जो है वो मोड कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आपने फिलहाल के लिए वाली वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है। अगर आपका जो है GTA 5 ऑलरेडी आपने अपना मोड किया हुआ है तो आपने सिंपली इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मिलेगी दो फाइलें। ठीक है जी, एक है जी ऑटो लोड्स मैप्स का फोल्डर और दूसरी है जी हमारी फ्रैंकलिन हाउस अपग्रेड वाली .xml वाली फाइल। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ना ये देखिए, यहाँ पे आपको .xml वाली फाइल। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली जाना है जी सबसे पहले अपने ओपन आईवी में। ठीक है, ये आपके पास लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इस मोड के लिए आपको अपना जो है एक और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन में थंबनेल नज़र आ रहा है ना, माइकल हाउस अपग्रेड वाला, ये वीडियो आपने वॉच, अगर आप हाउस अपग्रेड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने सिंपली इस वीडियो को ओपन करके ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में है एक लिंक है जो कि हमारा मैप बिल्डर का लिंक है। ठीक है, ये आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको कोई भी इशू ना आए इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, तो ओपन आईवी में आकर अपने विंडोज़ पे आना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस फाइल को आपने एक साइड पे कर लेना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगी जी अपना .xml की फाइल और नीचे अभी आपको .xml की फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, पहले आपने सबसे पहले एटिन मोड एनेबल कर लेना है इसका, ओपन आईवी का। ठीक है, तो अगर आपकी GTA 5 मोड है तो आपके पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर होगा, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है ऑटो लोड मैप्स वाला फोल्डर, आपने सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में। ठीक है, अपना स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आप पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहा है जी ऑटो लोड मैप्स वाला फोल्डर। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो है मेन्यू तो आपके पास लाजमी होगा जो कि GTA 5 का एक मेन आप कह सकते हैं कि इसका ना अपना काफ़ी ज़्यादा इसका ना है काम GTA 5 में, जो कि हमारी काफ़ी हेल्प करता है मोड्स को अपना लोड करवाने में और भी काफ़ी कोई चीज़ हमने स्पोन करनी गाड़ियाँ पैर्स वगैरह, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है GTA 5 में। ठीक है, तो आपने सिंपली यानी अपना मेन्यू स्टॉप वाले फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक स्पूनर का फोल्डर नज़र आएगा, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाली जो फाइल है ना फ्रैंकलिन हाउस अपग्रेड .xml वाली फाइल, आपने सिंपली यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपना स्पूनर वाले फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले माइकल सिक्योरिटी वाली जो हमने फाइल अपना की थी ना, जैसे हमने जो माइकल हाउस मैंने अपग्रेड आपको करवाया था, ये वाली वो वाली फाइल मैंने डिलीट नहीं की, वो भी मेरे भी आई थिंक इंस्टॉल ही होगा माइकल का हाउस। ठीक है, तो ये हमने कर ली है, तो अभी हमने और कुछ नहीं करना, सिंपली जाना अपने GTA 5 में। ठीक है, तो चलिए अभी GTA 5 ओपन करके आपको मैं चेक करवाता हूँ कि हमारा जो फ्रैंकलिन का हाउस है वो कैसे अपग्रेड होके और कितना उसमें अपना डिफरेंस आया पहले की निस्बत। ठीक है जी, तो चलते हैं हमने GTA 5 में। अच्छा, ये गेम हमारी प्ले हो गई है। ठीक है, आपको पता है अगर आपकी विदाउट एरर के साथ आपकी गेम प्ले हो जाए तो आपने आप यही होना चाहिए आपको कि आपका जो मूड है वो बिल्कुल परफेक्ट आपका इंस्टॉल हो चुका है आपकी गेम में। ठीक है, तो जब आप गेम ओपन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप
फ्रैंकलिन के हाउस में या कहीं भी है ना आप टेलीपोर्ट हैं, तो आपके पास एक साइड पे कॉर्नर पे ऑप्शन आएगा लोडिंग अपना मॉडल्स या लोडिंग प्रॉप्स वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपने लोडिंग होने देनी है। आई थिंक कोई 1 से 2 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि ये फ्रैंकलिन का हमने जो अपना स्क्रिप्ट के फोल्डर में हमने एक फोल्डर पेस्ट किया था ना लोड ऑटो मैप्स वाला, तो लोड मैप्स ऑटो या ऐसे करके था, तो वो इसने जो है ना अपने जो है मैप्स वगैरह वो ऑटो लोड करने थे। ठीक है, तो पहले तो जाते हैं हम अपना मेन्यू में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम अपना जो टाइम वो हम सेट कर लेते हैं, दिन का टाइम मैं करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं यहाँ से चेक करवा सकूँ। ठीक है, और वेदर हम कर लेते हैं क्लियर ताकि हमें एक अच्छी लुक देखने को मिले। ठीक है, तो ये देखें अभी इसे आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको चेंजिंग हाउस के अंदर ही आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, बाकी अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके चेक करते हैं कि हमें कितना को हमारा घर अपग्रेड हुआ है। देखिए जी, चेक करें, यकीन माने कि पहले से काफ़ी बेहतरीन हमारा हाउस हो चुका है। ठीक है, लाइट्स आप चेक कर सकते हैं फ्रैंकलिन के हाउस की। ठीक है, ऊपर आप चेक करें और ये साइड पर चेक करिए, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, ये देखें, एक तो ये जो है हमारा गैराज का एक जो आप कह सकते हैं कि एक रोड अब बन गया। ठीक है, रोड टाइप, और दूसरा यहाँ से कवर हो गया भाई। ठीक है, ये बहुत एक मुझे अच्छी चीज़ लगी। ठीक है, और ये हमारी एक जो ग्रुटी कार है ये कवर यहाँ पे साइड पे खड़ी। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ, शॉर्ट रिव्यू देता हूँ इसका। ठीक है, पहले उससे आपने काम करना, ठीक है, आपने अपने F8 वाली मेन्यू में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने आ जाना है जी नीचे ऑब्जेक्ट स्पूनर पर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है जी मैनेज सेव्ड फाइल्स में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये जो फाइल हमने वहाँ पे पेस्ट की थी अपने स्पूनर वाले फोल्डर में फ्रैंकलिन हाउस अपग्रेड वाली, यहाँ पे आके आपने एंटर करना है और लोड प्लेसमेंट्स पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये 1-2 सेकंड के लिए आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने भाई चेक करना है आपका हाउस जो है वो अपना जो ग्रैंड अपग्रेड हो चुका होगा। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ से पहले F8 पे जाते हैं, बैग जाने के बाद चलें, ये मैंने अपना कर लिया स्पूनर मोड ओपन, ये चेक करें जी हेलीकॉप्टर हमारा आ गया। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स आप चेक करें और फ्रैंकलिन के हाउस के ऊपर आप चेक करें टेरिस, और यहाँ पे आपको ट्रीवर और माइकल, ठीक है, साथ अपना लमार, ये आपको अपना एनी टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कोई मीटिंग वगैरह जो भी है इनका आपस में मामला। ठीक है, और उसके बाद हम जाएँ अपना यहाँ पे लाइट्स आपको देखने को मिल, कार्स आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है। ठीक है, और ये कोई अपना कंटीन वगैरह छोटी सी बनी हुई है, और भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड जो हमारा फ्रैंकलिन का हाउस है वो हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आगे जी हम अगर हम इन कार्स की बात करें तो ठीक है, ये आप कार्स चेक करें, काफ़ी अच्छी कार्स हैं। ठीक है, ये तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, बेस्ट कार है। ठीक है, ये मैं आपको चला के भी चेक करवा लेता हूँ थोड़ी सी। देखिए गार्ड्स हर तरफ गार्ड्स हैं। ठीक है, आपको किसी भी किस्म का कोई GT5 में ना कोई भी ख़तरा नहीं है। ठीक है, अगर हुआ तो वो आपके गार्ड्स हैंडल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप मशीन गन यूज़ करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की, ठीक है, आपको कोई इशू है तो भाई आपने जाना है जी यहाँ पर, पहले तो जाना है अपनी गाड़ी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने प्रेस करना है जी F। ठीक है, F जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए भाई ये मशीन गन फ्रैंकलिन ने उठा ली है और बिल्कुल परफेक्ट ये वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि माइक में कोई इश्यू ना आए। ठीक है, ये चेक करें, बिल्कुल भाई करेक्टली बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो चलें बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट करके भाई लाजमी बताइए कि आपको ये मूड कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भाई लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पर अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।